आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपको DSSP 2023 के लिए DSSP के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करने हैं। मैं अपने चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बीच बीच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये सामान्य जारी का आपका सेट वन है GK से रिलेटेड। ये आपका एग्जाम डेट है 11/11/2019। इसमें आपके 20 क्वेश्चन देखिए कौन से पूछे गए थे, तो उनको डिटेल में करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नदी नुब्रा एक सहायक नदी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की, गंगा नदी की, यमुना नदी की या फिर सिंधु नदी की। तो याद रखिएगा जो नुब्रा नदी है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है, निम्न में से किस TV श्रृंखला ने 2019 एमी अवार्ड में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज पुरस्कार जीता। अब देखो 2023 में आपका पेपर होगा तो आपको इस तरीके के अवार्ड जो हैं याद करते हुए चलने हैं। 2023 में जनवरी से लेकर के आप अभी से करंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डेली 10-10 क्वेश्चन पढ़िए और देखिए पहले परीक्षाओं में कौन कौन से अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको 2023 वाले भी आपको याद करके रखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से किस TV श्रृंखला ने 2019 एमी अवार्ड में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज पुरस्कार जीता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गेम्स ऑफ थ्रोन्स ने जीता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गेम्स ऑफ थ्रोन्स। हो सकता है आपसे 2019 का भी पूछ दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, 71वें एमी पुरस्कारों की घोषणा लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, एमी पुरस्कारों की घोषणा लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में 23 सितंबर 2019 को की गई। पुरस्कार समारोह में गेम्स ऑफ थ्रोन्स को उनके 8वें अंतिम सीजन के लिए आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेविड बेनियॉफ गेम ऑफ थ्रोन्स के निर्माता हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकता है, गेम ऑफ थ्रोन्स के जो निर्माता हैं उनका नाम है डेविड बेनियॉफ। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया, राज्य के खातों से संबंधित भारत की CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, राज्य के मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की जाएगी, राज्य के वित्त मंत्री को प्रस्तुत की जाएगी या राज्य के मुख्य आर्थिक सलाहकार को प्रस्तुत की जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल को क्या की जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, डिटेल से आप देखना चाहते हैं तो डिटेल से देख लीजिए। किसी राज्य के लेखा संबंधी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत की CAG की रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है जो उसे राज्य के विधानसभा के समक्ष क्या करता है, रखवाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 से 159 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विशद विवेचन किया गया है। ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 से 159 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विशद विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय शासक के दरबार में कवि कालिदास तथा खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट उपस्थित थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। याद करते हैं इसको, ध्यान से देखते हैं, आर्यभट्ट और कालिदास ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कालिदास संस्कृत के एक महान लेखक थे, वह चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम कालिदास के प्रमुख रचनाएं हैं। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे, आर्यभट्टीयम उनकी प्रमुख रचना है। तो यहाँ से इतनी बात आपको पता चली। अगले प्रश्न पे आते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया विद्युत धारा के निम्न में से किस प्रभाव पर आधारित है। तो ये दोस्तों आपके किस प्रभाव पर आधारित है, रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसकी डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर अन्य धातुओं की परत चढ़ाने या लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने तथा चमक के लिए उन पर तांबे, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। यह प्रक्रिया वैद्युत रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। जब किसी सुचालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने धन एवं ऋण आयनों में विभक्त हो जाता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि किसने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए
समाप्त करने के लिए अभियान चलाने के लिए 2019 में बिल और मेलिंडा गेट्स के चेंज मेकर पुरस्कार जीते। अब देखो ऐसे पुरस्कार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं KVS की या DSSSB में, उसमें पुरस्कार आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको जब भी परीक्षा हो उसके कम से कम 6 महीने पहले के सभी पुरस्कार बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, बहुत बढ़िया नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पायल जागिन, इनका नाम है, याद रखिएगा। किसने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान चलाने के लिए 2019 में बिल और मेलिंडा गेट्स के चेंज मेकर पुरस्कार जीते? तो ये जीता, किसने जीता? ये जीता पायल जागिन ने, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। हो सकता है फिर से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ ध्यान से देखना। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा राजस्थान की, अब ये पूछा जा सकता है कभी भी आपसे एग्जाम में, तो ये राजस्थान की पायल जागिन को गोल क्रीपर ग्लोबल गोल अवार्ड 2019 में चेंज मेकर अवार्ड प्रदान किया गया। वह अपने गांव हिंसल अलवर जिमा की बाल संसद बाल पंचायत की अध्यक्ष हैं। उन्हें अपने गांव और अन्य पड़ोसी क्षेत्र में बाल श्रम और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड। तो केरल वाला आप सभी को पता है, इसमें से ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आम बजट के साथ रेल बजट का विलय कब हुआ? देखिए आम बजट के साथ रेल बजट का जो विलय हुआ 2017-2018 में हुआ, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसकी डिटेल आपको देखनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट में रेल बजट का विलय किया गया। उल्लेखनीय है कि पहली बार रेल बजट वर्ष 1924 में पेश किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके पूर्व रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। वर्ष 1920-21 में गठित एक वर्ष समिति के सुझाव पर आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट बन रहे हैं कि पहली बार अलग रेल बजट वर्ष 1924 में पेश किया गया, इसके पूर्व रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। वर्ष 1920-21 में गठित एक वर्ष समिति के सुझाव पर आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आम बजट के साथ रेल बजट का विलय कब हुआ? तो बजट 2017-18 में हुआ, ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेल ऑर्गेनल जो आपके कोशिकांग होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन दिया गया है कि लाइसोसोम किसी भी बाहर की सामग्री को पचाने के साथ साथ खराब हो चुके सेल को साफ करने में मदद करता है, आत्महत्या की थैली भी इसको कहते हैं। तो ये वाली बात इसके लिए पूरी तरीके से सही है। तो आप लाइसोसोम के बारे में ये पॉइंट याद कर लो कि लाइसोसोम किसी भी बाहर की सामग्री को पचाने के साथ साथ खराब हो चुके सेल को साफ करने में मदद करता है, तो ये वाला कथन गलत नहीं है, सही है। दूसरे कथन की बात करते हैं, कहता है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा के अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करती। तो यहाँ पे ये कथन गलत है, क्योंकि खुरदरी अंतःपृद्वी जालिका का संबंध वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण से नहीं होता है, यह प्रोटीन के निर्माण एवं प्रसंस्करण में के संबंध में क्या होती हैं, सहायक होती हैं, उससे संबंधित होती हैं। तो दूसरा वाला कथन आपका गलत है, इसने कहा है कि खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा के अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करती हैं, नहीं, वो किस में मदद करती हैं, प्रोटीन के निर्माण और प्रसंस्करण से संबंधित होती हैं, याद रखिएगा। बाकी तीसरा भी ऑप्शन आपको अच्छे से देखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास संश्लेषित सामग्री को पैक किया जाता है और इसे गोल्जी तंत्र के माध्य से सेल के अंदर और बाहर विभिन्न लक्ष्यों के लिए भेजा जाता है, ये भी पॉइंट आपका सही है। रिक्तिकाएं ठोस और तरल सामग्री के लिए भंडारण थैली है, ये भी पॉइंट आपके लिए सही है। तो यहाँ पे गलत वाला कौन था? ऑप्शन नंबर बी था कि आपकी जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वसा के अणुओं और लिपिड का निर्माण में मदद नहीं करती हैं, वो किस में मदद करती हैं, प्रोटीन के निर्माण एवं प्रसंस्करण में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे सब मेरे को खान 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 दिया गया है, तो आपको कैसे याद रखना है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने।
किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ डिटेल में भी आप देख सकते हो, डिटेल में ये है कि, अच्छा डिटेल नहीं है, देखो इतना आपको याद रखना है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। इनका याद रखना, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है? आगे डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये पूछा गया कि बताओ भाई, नर्मदा नदी के ऊपर बना सरदार सरोवर बांध किस भारतीय राज्य को कवर करता है? महाराष्ट्र को कवर करता है, राजस्थान को कवर करता है, मध्य प्रदेश को कवर कर सकता है, या फिर गुजरात को करता है? तो ये आपके गुजरात को करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो, सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बंधा है? नर्मदा नदी पर बंधा है। कैसा बांध है? गुरुत्व बांध है। यह बांध चार राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, किससे रिलेटेड? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया करंट अफेयर से रिलेटेड। तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया कि किस देश ने 2019 SMM 20वां एशियन सीनियर मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता? देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे। तो किस देश ने 2019 SMM 20वां एशियन सीनियर मेंस वॉलीबॉल चैंपियन खिताब जीता? तो ये आपका ऑप्शन देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ईरान ने जीता था। किसने जीता था? ईरान ने जीता था। तो इसको याद रखिएगा, 2019 का अगर आपसे दोबारा पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कहता है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आपसे कि पुहार और कावेरी पट्टम निम्नलिखित में से किस राजवंश के बंदरगाह थे? तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पुहार और कावेरी पट्टम जो है वो चोल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपको, चोल चोल राजवंश के बंदरगाह थे। इसको डिटेल में यहाँ देखो कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 871 ईस्वी था। आरंभ में चोल पल्लव शासकों के सामंत थे। विजयालय ने पल्लवों के अधीनता से चोल समुदाय को मुक्त कराया और स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल शासक करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार पत्तन, जिस कावेरी पट्टम की स्थापना की। कावेरी पट्टम चोलों की पत्तन बंदरगाह मतलब राजधानी थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कभी भी इसको भूलोगे भी नहीं। आप पुहार और कावेरी पट्टम जो है वो चोल राजवंश के बंदरगाह शहर थे। दोबारा कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो आप आसानी से इसको सही कर सकते हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन आपसे पूछा, कहा गया है कि हिमालय भूगर्भी रूप से नवीन है और संरचनात्मक रूप से वलित पहाड़ है जो भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैले हुए हैं। तो ये पूरा पूरे जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे सही हैं, तो पहला तो गलत नहीं है। कहता है ये पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व दक्षिण दिशा में फैली है। तो पूर्व दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं फैली है, उत्तर दक्षिण दिशा आप कह सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? बी, क्योंकि गलत वाला आपको बताना है। बाकी यहाँ पे ध्यान से देखो कि इनकी ऊंचाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर क्या है ये आप ध्यान रखना, ज़्यादा चौड़ा है, और पूर्व की ओर ये कम चौड़ा है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी मध्य में ऊंचाई भिन्नताएं अधिक हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे सही लिखी हैं, बी वाला ऑप्शन गलत था। इसको डिटेल से यहाँ देख सकते हो कि हिमालय पर्वत एक नवीन वलत मुड़े पर्वत हैं जो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। हिमालय तीन समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित हैं जो पश्चिम में सिंधु घाट से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाट तक विस्तृत हैं। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर और पूर्व में 150 किलोमीटर तक है। इस हिमालय की पश्चिम की तुलना में पूर्वी ऊंचाइयों में भिन्नताएं अधिक हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है? तो देखिए चार ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं, तो जो आपके राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको डिटेल में देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, अब ये याद रखना चाहिए आपको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, बोल रहा हूँ 24 बोल दिया शायद मैंने, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा, संसद में कौन, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में
मनोनीत सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं, इनको याद रखना। अनुच्छेद 54 याद रखना, राष्ट्रपति निर्वाचन से रिलेटेड कौन शामिल नहीं किया जाता है, तो आपके राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो है शामिल नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसके गलनांक पर एक वायुमंडलीय दबाव में 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, गलन की गुप्त ऊष्मा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा। इसके गलनांक पर एक वायुमंडलीय दबाव में 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ध्यान देना इसको कि नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दबाव में 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखो। पूछा गया कि किसने मोंजा इटली 2019 में फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीता। अब देखो इस तरीके से फार्मूला रेस ये वाले सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के याद होने चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ अभी से पढ़ना शुरू कर दो। करंट अफेयर जनवरी 2023 से लेकर के डेली 10 क्वेश्चन, और डेली वाला करंट अफेयर जो आपका चलता है, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, किसी एक चैनल को पकड़ लो, डेली का करंट अफेयर जो कम समय में आपको 15 से 20 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा देता है, उसको देखते हुए चलो। अगर DSSSB में करंट अफेयर में कम से कम 5 से 6 नंबर अच्छे से कवर करना चाहते हो। किसने मोंजा इटली में 2019 फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीता, तो 2019 का ये पूछा गया, तो चार्ल्स लेकर्स ने जीता था। ठीक है, याद रखिएगा सितंबर 2019 में इटली के मोंजा इटालियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 मोटर रेस का आयोजन किया गया था फेरारी के ड्राइवर चार्ल्स। अब आपसे ये कभी भी पूछ सकता है कि जो चार्ल्स लेक्लर्क हैं ये कौन किसके ड्राइवर हैं, तो फेरारी के ड्राइवर ने फार्मूला 1 रेस जीता, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सितंबर 2019 में भुगतान कंपनी वीसा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया। अब देखो यहाँ पे आपसे ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ब्रांड एम्बेसडर वाले भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे याद होने चाहिए। तो ये पीवी सिंधु को याद रखना। 25 सितंबर 2019 को भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, अब देखो ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि पीवी सिंधु क्या खेलती हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को 2 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वीजा वर्ष 1986 से ओलंपिक खेलों को विश्व भर में प्रायोजक के रूप में समर्थन कर रहा है, ये वाली बात भी आपको अच्छे से पता कर लेनी है कि वीजा वर्ष 1986 से ओलंपिक खेलों को वर्ष भर में प्रायोजक के रूप में समर्थन कर रही है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इतना आपको पता चल गया। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे देखो स्टैटिक जीके से पूछा गया कि मत्स्य त्यौहार से राजस्थान का कौन सा शहर संबंधित है, ये तो अलवर शहर संबंधित है। मत्स्य उत्सव राजस्थान के अलवर शहर में मनाया जाता है, यह 2 दिवसीय त्यौहार स्थानीय लोगों के लिए अपनी समृद्ध विरासत और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, DSSSB में इस डेट को इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराता चलूं। और देखिए आप अगर DSSSB में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी पर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, डेली कम से कम दोस्तों 7 से 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 7 से 8 घंटे। ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में मत पड़िए, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है उससे रिलेटेड वीडियो सर्च कर लीजिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और साथ में आप जुड़े ही हैं, मैं प्रीवियस ईयर आपको कराता ही रहूँगा, और कुछ दिनों के बाद मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा कि जैसे आपकी जीके में आपको कोई एक मध्यकालीन भारत पढ़ना है तो पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत कम समय में एक ही वीडियो में, ऐसे ऐसे वीडियोस मैं आपको तैयार कर रहा हूं, वो जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे परसेंटेज आपको पढ़ना है तो एक ही वीडियो में परसेंटेज के इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि DSSSB में उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है इन चीज़ों को तैयार करने में, इसीलिए मैं अभी आपको ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। तो DSSSB की तैयारी आप जम के करिए, कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़िए, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैं आपको करा ही रहा हूँ, मैं आपको साथ साथ में बता भी रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से तैयारी करते हुए चलिए। तो अगर आप सीरियस हैं तो सच में इस तरीके से तैयारी करते हुए चलिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई पेड कोर्स ले लोगे या किसी के सहारे किसी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओगे वो आपको पूरी तैयारी करा देगा, तो तैयारी करा देगा लेकिन वो स्कोर आपका नहीं आएगा जो आपका आना चाहिए आपका सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है,
दिन के कम से कम 7 से 8 घंटे आपको डी ट्रिपल एस बी के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, और आज से ही पढ़ना है, वेट नहीं करना है कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या आएगा, कब नहीं आएगा। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ज़्यादा से क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए कि कोई क्वेश्चन लाइव टेस्ट में करा रहा है आप करने हो, जैसे आप लोग कमेंट करते हो एक लाइव टेस्ट करा दीजिए, लाइव टेस्ट करा दीजिए। देखो लाइव टेस्ट मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि लाइव टेस्ट में भी मैथ्स के मैं क्वेश्चन, जैसे अभी मैं सोच रहा था आज मैथ्स के क्वेश्चन कराने का, मैं पूरी मैथ्स से अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना तो आपको दिक्कत आ जाएगी डी ट्रिपल एस पी के लिए। तो पहले मैं आपको बेसिक लेवल की चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, अभी थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है, बाकी कराऊंगा, आप परेशान मत होइए, लेकिन खुद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।